हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर अवर क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री इन आरएस एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9. दिस इज मैटर अराउंड अस प्योर. मींस चैप्टर ये पूछ रहा है कि क्या जो मैटर होता है वो प्योर होता है कि नहीं, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है चैप्टर. तो यही इसको एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा एक चैप्टर बना दिया है. ओके, तो ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिख रहा है. ओके, तो ये जो फ्लो चार्ट है ये कम से कम आपका हाफ मोर देन हाफ चैप्टर ये कम से कम कंप्लीट कर देगा. ओके, ये आपको फ्लो चार्ट पूरा आ गया तो आधा से ज्यादा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया आपका. ओके, इसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए. ये सब आ गया पूरा कम्प्लीटली पढ़ेंगे, सबके मतलब डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज सब वगैरह पढ़ेंगे. लेकिन ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड के बारे में एसिड बेस सॉल्ट, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे. ओके, कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पढ़ेंगे. लेकिन जो चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट तो आप 10th में पढ़ेंगे. ओके, सो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मैटर. मैटर जो है अपने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था मैटर क्या होता है. ओके, मैटर इज एनीथिंग. ओके, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज होता है विच क्रिएट, जिसमें क्या होता है, विच हैव मास, जिसमें क्या होता है मास, एंड जो क्या करता है स्थान देता है. ठीक है, कोई भी स्पेस, उसके पास कोई भी स्पेस हो, स्पेस क्रिएट करता है. ओके, उसको हम लोग मैटर कहते हैं, जो भी स्थान घेर लेता है या जिसको हम लोग फील कर सकते हैं. ओके, बाय अवर फाइव फिजिकल सेंसेस मीन साइट, मतलब देखना, स्मेलिंग सुनना, इस तरीके से फाइव फिजिकल सेंसेस की टच करना, हियर, ओके, ये सब एंड फील करना. ओके, सो मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. मैटर के अपने टाइप बताए थे कि दो टाइप के होते हैं, फिजिकल टाइप एंड केमिकल टाइप. फिजिकल टाइप उस चैप्टर में नॉर्मली फिजिकल टाइप एक्सप्लेन किए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में बताया था. नाउ अब इसके केमिकल टाइप्स डिस्कस करेंगे. केमिकली मैटर जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस एंड एक होता है मिक्सचर. ओके, तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैटर प्योर होता है, तो मैटर प्योर भी होता है और मिक्सचर भी होता है, दोनों होता है. इट इज अ, इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. ओके, कोई सही आंसर नहीं है. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, किसी भी एक टाइप के पार्टिकल होने चाहिए उसमें. ओके, तो वो होता हमारा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, मेटल्स प्योर सब्सटेंस हो जाए, क्योंकि उसमें मेटल जैसे गोल्ड है, उसमें गोल्ड के अलावा एनीथिंग कुछ भी ना होना चाहिए. ओके, तो वो आ जाएगा प्योर सब्सटेंस में. ओके, तो ये होता हमारा प्योर सब्सटेंस जिसमें केवल वन टाइप के पार्टिकल होते हैं. ओके, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेट होता है, और उनका रेशियो भी फिक्स होता है. ओके, ये दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. ओके, अब मैटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, मतलब प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया सकता, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एनी ऑफ द मेथड, किसी मेथड सेपरेट नहीं कर सकते. अब ये दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी वही होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में पड़े, हाइड्रोजन से लेकर पूरे एकदम जिंक तक, पूरा मतलब जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट में आते हैं. इसका भी जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, मतलब प्योर सब्सटेंस के तरीके होता है. जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन ही होगा, लिथियम है तो उसमें लिथियम के पार्टिकल ही होंगे, उसमें पार्टिकल ही होंगे. तो ये भी डिवाइड होते हैं तीन टाइप्स. ओके, फर्स्ट हमारा होता है मेटल, सेकेंड होता है नॉन मेटल, एंड थर्ड है मेटलॉइड. ओके, अब मेटलॉइड हमने बीच में क्यों लिखा है, क्या मतलब ये है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर अभी एक चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है मेटल्स, तो इसी चैप्टर में मेटल्स के बारे में बताया जाएगा, नॉन मेटल्स के बारे में बताया जाएगा, मेटलॉइड के बारे में बताया जाएगा. तो मेटल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. ओके, तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं कि इसमें केवल वन टाइप के पार्टिकल होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. ओके, ये मेटल. नॉन मेटल क्या होते हैं, सिंपली कैलकुली समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं वो मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच होती है
मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होगी, उसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये हमारे मेटलॉइड्स हो गए। ओके, तो बाकी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी होती है, डक्टिलिटी होती है। ओके, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, सोलिडिटी होती है मेटल्स में, तो इसके बारे में आगे हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जैसे वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। एक से ज्यादा एलिमेंट जरूर होंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स। कोई भी वाटर आप ले लो, किसी भी टाइप का वाटर, चाहे सॉल्ट वाटर हो, चाहे ओशियन वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे आपका ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे कोई भी वाटर, किसी टाइप का भी वाटर, उसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम होता है, 2:1। ओके, तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में सबका जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, उन्हें हम लोग कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड भी होते हैं एसिड बेस सॉल्ट, इसके बारे में 10th क्लास पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मतलब एक टाइप के पार्टिकल हो, मिक्सचर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल होते हैं। ओके, ये भी दो टाइप का, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब इसमें क्या होगा, मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कब बनेगा, कि अगर हमने सॉलिड को लिक्विड को आपस मिला दिया, लिक्विड को गैस को आपस मिला दिया, या कोई भी चीज लिक्विड लिक्विड को आपस मिला दिया। ओके, तो इसमें क्या होगा, मिलाने के बाद इसकी फेज जो होती अवस्था वो सेम रहेगी, सिंगल फेज रहेगी, सिंगल फेज ही रहेगी इसमें, सिंगल, या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। ओके, सिंगल फेज रहेगी। ओके, ये हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने पानी में नमक को मिला दिया, नमक घुल गया तो बचा क्या, वाटर ही बचा, तो वाटर वो जो सोल्यूशन बन गया। ओके, सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन सोल्यूशन कैसा, होमोजीनियस सोल्यूशन। तो जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सारे होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन। ओके, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसीय सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में हम लोग क्लाय पढ़ते हैं, मेटल मेटल का मिक्सचर। ओके, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, मेटल मेटल का मिक्सचर, मेटल को डेफिनेट रेशियो में मिक्स कर दो तो क्लाय बन जाएगा। ओके, लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर, शुगर वाटर, शुगर वाटर मिक्स कर दो घुल जाएगी, वाटर ही बनेगा लिक्विड सोल्यूशन। गैसे सोल्यूशन एग्जांपल जैसे एयर, एयर बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसें क्या होती है, मिक्स होती है, तो वो एयर हो गया, एयर में सारी गैसें सोल्यूशन होती है। अब आ गया हेट्रोजीनियस, इसमें डिफरेंट फेज बनती है। ओके, इसमें क्या होगा, हमने ऑयल और वाटर को मिला दिया, ऑयल और वाटर को मिलाने पे क्या होगा, ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ऑयल अलग दिखता है, वाटर अलग दिखता है, तो इस टाइप का जो होता है वो होता है कोलाइडल, कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, ये कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं मिल्क, आइसक्रीम, क्लाउड, ये सब हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में आते हैं। ओके, मतलब इसमें बटर भी होता है, वाटर भी मिक्स हो जाता है, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, आइसक्रीम हो गया इसी तरीके क्लाउड हो गया। ओके, सस्पेंशन, सस्पेंशन में तो सिंपली आप दूर से देख सकते हैं, जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर, वाटर में सैंड को मिला दो तो सैंड क्या होगा, कुछ देर बाद सैंड के पार्टिकल नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, तो ये हमारा सस्पेंशन बनेगा। ओके, जैसे दूध जो होता है वो फट जाता है, फटने के बाद क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और पानी पानी वाटर वाटर ऊपर आ जाता है, तो वो जो दूध जो होता है नीचे फटने के बाद बैठ गया, तो मतलब दूध क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, उसके पार्टिकल सस्पेंड हो गए, तो वो फिर वो सस्पेंशन बन जाएगा। इसी तरीके वाटर में कोई भी स्टोन डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ओके, जैसे पानी में कोई सिक्का डालेंगे तो वो भी नीचे बैठ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, जो सिक्का है वो सस्पेंड हो गया नीचे, तो वो सस्पेंशन बन गया। तो ठीक है, तो इस ये हमारा चैप्टर है, इसमें सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है। ओके, मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, इनके टाइप्स, एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड के टाइप्स, ओके, मिक्सर के टाइप्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सोल्यूशन जो बनता है सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सोल्यूशन का होमोजीनियस मिक्सचर, इसके 3 टाइप्स होते हैं सॉलिड, गैस। हेट्रोजीनियस का होता है कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन आगे पूरा कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।